Hi, my name is Dalvi. I teach CT, Chemical Technology में. मैं pulp paper का pulp and paper industry का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ MCQ का lecture 2. ये जो most important previous paper जो वीडियो था उसमें भी most important question थे और इस वीडियो में भी most important question है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो भी गुप्ता से लिए गए हैं और जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उनसे लिए गए हैं. ठीक है, और नेट से जहाँ से क्वेश्चन मिले वहाँ से भी लिए गए हैं जो होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ना हम बात कर लेते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की. ये लेक्चर 2 है, प्रीवियस लेक्चर देखना, आपके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे सफिशियंट कि पल्प पेपर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे. ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बेसेज फाइबर्स. आपके जो गन्ने की खोई से फाइबर्स बनाया जाता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो गन्ने की खोई से बनाया जाता है उसमें सेल्यूलोज होता है जिसकी मात्रा 50% होती है. एक भाई साहब पेंटागॉन्स होता है जिसकी 30% के आसपास होती है. एक लेगनिन होता है जिसकी 18% के आसपास होती है और एक एस होता है 2% के आसपास एस होती है. ठीक है, तो ये तो थी परसेंटेज. तो इसमें ये कह रहा है कि क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है. तो ऑप्शन में देखा सेलुलोज प्रेजेंट है, लेगनिन भी प्रेजेंट है, पेंटागॉन्स भी प्रेजेंट है, नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन डी दिख रहा होगा आपको क्योंकि तीनों प्रेजेंट हैं. तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर जो इसमें प्रेजेंट नहीं है. ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द डाइल्यूशन फैक्टर, आपका डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कोई चीज़ है आपके पास में, ठीक है, इतनी दैट इज कंसेंट्रेट. कंसेंट्रेट का मतलब उसमें बहुत मात्रा में कोई चीज़ है तो वो कंसेंट्रेट है. अब मैंने क्या किया, कोई इसमें डाइल्यूट मिला दिया, डाइल्यूट सॉल्वेंट मिला दिया, सपोज करना वाटर मिला दिया. अब ये जब इसमें डाइल्यूट सॉल्वेंट मिलाया तो अब इसके डाइल्यूटेशन हो जाएगा, डेट मीन ये कैसा बन जाएगा, तनु विलयन बन जाएगा. ये तनु विलयन बन जाएगा. तो अब देखते हैं द डाइल्यूशन फैक्टर इज अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ, किस चीज़ के अमाउंट यूज इन वॉशिंग. आप जब किसी भी पल्प पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसे आप वॉश करते हैं तो वहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर होता है उसको मेजर किया जाता है किसके अमाउंट में. तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ अ वाटर, वाटर के अमाउंट को देखा जाता है उससे डाइल्यूशन फैक्टर का पता चलता है. यूज़ इन वॉशिंग, वॉशिंग में हम वाटर को देखते हैं. ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. लो डाइल्यूशन फैक्टर, आपने देखा लो रखा डाइल्यूशन फैक्टर, आपने पानी की मात्रा को कम करके रखा. द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, आपने लो डाइल्यूशन फैक्टर रखा है वो डिक्रीज कर देता है द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर. जो आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट है मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर में उनको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं. द सोडा लॉस इन पल्प, आपका सोडा लॉस होता है पल्प में इन ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर्ड एड पल्प ऑन Na2SO4 बेसिस पर. आपने देखा किसी भी पल्प में सोडा का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को मेज़र कैसे किया जाता है. तो आप देखेंगे कोई चीज़ टन में ली जा रही है, अब जिसमें भाई सोडा है तो वो बहुत ही लेस अमाउंट में होगा तो वो भी LV में यूज किया जाता है. तो LV का मतलब क्या होता है, LV का मतलब मैंने पाउंड होता है इसका, मैंने पहले जब यूनिट कन्वर्जन पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने बताया गया है. ठीक है, तो LV का मतलब पाउंड होता है, पाउंड बटे टन उसमें मेजर किया जाता है बेसिकली. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ आप देखेंगे कुछ फुल फॉर्म्स भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं हम इस टॉपिक से
उनको मैं लिखा देता हूँ। एक है MEE के फुल फॉर्म बताइए, MEE की फुल फॉर्म बताइए, और एक है LTV की फुल फॉर्म बताइए, जो पल्प पेपर में यूज होती है बेसिकली। तो MEE है उसकी जो आपकी फुल फॉर्म है वो क्या होती है बेसिकली, मैंने अभी बताया पल्प पेपर इंडस्ट्री होती है उसमें मल्टीफेक्ट एवोपेटर यूज होता है। तो MEE की फुल फॉर्म यही होती है, मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें ऑप्शनों में देख रहा होगा कि आपको ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक होता है LTV, LTV की फुल फॉर्म क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल, क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल। ये फुल फॉर्म कुछ आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के रूप में, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेस्ट NSSC लिक्विड, आपके पास में कोई ऐसा लिक्विड मिलता होगा जो वेस्ट के रूप में होता होगा उसे NSSC लिक्विड कहते हैं। एंड द बर्निंग इट्स इन द नियर बाई क्राफ्ट मिल, आपके पास क्राफ्ट मिल के बगल में कोई कुछ ही बर्निंग की जाती है, इस लिक्विड को बर्न किया जाता है, तो वो की क्या चीज़ होती है, तो वो आपकी होती है क्रॉस रिकवरी। क्रॉस रिकवरी है वो क्या है, वो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट NSSC लिक्विड का, और बर्निंग द इट्स इन नियर बाई क्राफ्ट मिल, इसका क्या होता है, ये क्राफ्ट मिल का बर्निंग किया जाता है, तो एक क्रॉस रिकवरी होती है बेसिकली। नाउ 7th क्वेश्चन, ब्लीचिंग मैकेनिकल पल्प, आपके पास ब्लीचिंग मैकेनिकल पल्प है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, टू डिस्टेंसिगस, जो वेद करता है किसमें, इट फ्रॉम ब्लीचिंग ऑफ अ केमिकल पल्प, कोई भी आपके पास में केमिकल पल्प है वो उसकी ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है, उसमें भेद कराता है, और आपके पास कोई मैकेनिकल पल्प है उसकी ब्लीचिंग कर रहे हो आप, तो वो क्या कहलाता है, तो ब्लीचिंग मैकेनिकल पल्प इज कॉल्ड ब्राइटनिंग, ऑप्शन ए देख रहा होगा, ब्राइटनिंग टू डिसइंटीग्यूसिस, दैट मीन जो भेद कर रहा है इट फ्रॉम ब्लीचिंग ऑफ केमिकल पल्प, तो ब्राइटनिंग ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन की अभी बात करेंगे, नाउ 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 8th क्वेश्चन में आपको बता रहा है, द ब्राइटनेस इज अ टर्म, ब्राइटनेस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब, जो ब्राइटनेस होती है किसी भी पल्प पेपर की, कोई भी पेपर में आप ब्राइटनेस देखा हुआ वो चमकता है, ऑन स्केल फ्रॉम 0 to 100 से लेकर के एक स्केल बना हुआ होता है कि ये 0 स्केल का, ये 32 स्केल का है, तो इसकी वो क्या चीज़ बताती है ब्राइटनेस, तो वो बताती है वाइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई भी पेपर है वो कितना वाइट है, वो 0 to 100 एक स्केल होता है वो इस चीज़ को बताती है, तो ये वाइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ ब्राइटनेस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द, जैसे यहाँ पर ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, जो स्केल होता है 0, 1, 2, 3, 32, 34 इस तरह से कुछ ब्राइटनेस बताता है, वो ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन एक स्केल होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन में कह रहा है, डैश पल्प, ऐसा कौन सा पल्प हो रहा है, सस्टेबल, सस्टेबल टू कलर रिवर्सन, जिसमें कलर का क्या होता है, रिवर्सन होता है, ऐसा कौन सा पल्प होता है जिसमें कलर का रिवर्सन होता है, तो वो ऐसा होता है, वो आपका होता है मैकेनिकल पल्प में, मैकेनिकल पल्प आर सस्टेबल, वो इतना योग्य होता है वो कलर को रिवर्सन कर सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है,
ब्लीचिंग स्टेज आर कैरिड आउट। ब्लीचिंग अगर आप करते हैं किसी भी पल्प की, तो ब्लीचिंग स्टेज आर कैरिड आउट कंसिस्टेंसी फॉर पल्प ब्लीचिंग आर फ्रॉम। तो इससे ब्लीचिंग, इससे पल्प की जो ब्लीचिंग करते हैं तो इसकी कितनी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, वो कितना अच्छा हो जाता है वो पल्प, लगभग 3-20% के आसपास बढ़ जाती है उसकी कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। इसके बाद 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। लिग्निन, जैसा कि मैंने अभी आपको जब पढ़ा रहा था, कोई भी फाइबर्स है उसके अंतर्गत क्या होता है, सेलुलोज होता है, उसके अंतर्गत लिग्निन भी होता है, होता है लिग्निन। तो बेसिकली अगर आप देखें पेंटागन भी होता है, पेंटागन भी होता है। तो आप देखेंगे इसमें ये कहा है कि लिग्निन इज ईजिली मेजर्ड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड बाई लिग्निन इन ए सिंपल सैंपल ऑफ अ पल्प। सैंपल कोई भी पल्प का सैंपल है, ऑफ नॉन एज मास कहलाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि लिग्निन है उसको इनडायरेक्टली भी मेजर किया जा रहा है, तो उस अमाउंट को इस सल्फ में, इस सैंपल में, सैंपल ऑफ पल्प में मास कहते हैं, वो है क्या चीज़, एक प्रकार वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है या ऑक्सीडेंट कहलाता है, वो पल्प कहलाता है या पॉइजन। तो एक प्रकार का एक ऑक्सीडेंट होता है ये। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ 12th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द टेस्ट डैश द डॉट डैश टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट है, इज एन इनडायरेक्ट मेथड, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है फॉर डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ लिग्निन कंजप्शन। जो आपका लिग्निन होता है उसका कंजप्शन होता है ऑफ पर मैग्नेट आयन में, लिग्निन उसके अंतर्गत पाया जाता है, उसको अमाउंट को हम मीज़र करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो ऐसा मेथड कौन सा होता है, वो आपका अल्फा मेथड होता है, बीटा होता है, या फिर गामा होता है, या फिर कापा होता है। तो कापा मेथड होता है वो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ लिग्निन कितना कंज्यूम हुआ है पर मैग्नेट आयन का। ठीक है, ये इसका टेस्ट होता है, कापा टेस्ट। इस प्रकार से पल्प और पेपर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था इस सीरीज में भी। इसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने भी कुछ क्वेश्चन कराए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि पल्प और पेपर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर लो अच्छे आराम अच्छे से। नाउ थैंक यू, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक पॉइंट और है आपका, आप अगर हिंदी में, आप हिंदी और इंग्लिश की बात थोड़ी सी मैं कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आएगा, हिंदी में वहाँ पढ़ेंगे आपको बहुत ही अटपटी सी भाषा लगेगी। और आप एक बार देखना उसमें, हिंदी में पढ़ेंगे तब देखना उसमें बहुत अटपटी भाषा लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर कापा लिखा होगा तो कापा ही लिखा हुआ होगा हिंदी में भी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश में पढ़िए अच्छे से। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए जितनी भी वीडियो पढ़े वो आपके पास पहुँचे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। नाउ थैंक यू।